आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं JS 2172 के बारे में, जो कि हमने बेड के ऊपर लगाई है और इसको आज पूरे कंप्लीट 30 दिन हो चुके हैं। और बेड पर किस प्रकार से लगाई थी, काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे। वैसे हमने कुछ वीडियो में बता दिया है, कवरअप भी कर लिया है। अगर बेड के साइज़ की बात करें तो ये 4.5 फीट है, लेकिन 5 फीट से कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब जो आपका बेड है वो 5 फीट लेना है, उसके बाद में आपका जितना कम से कम ये बीच वाला गैप हो सके, ये वाला ये जो नाली, जितना कम से कम बेड हो सके इसको कम से कम रखना है। उसके बाद ये जो बेड है जिसके ऊपर सोयाबीन लगी हुई है, इसको आपको चौड़ाई सबसे ज़्यादा लेनी है। देखिए, हमारे जो बेड बने थे ये मिर्च के बेड बने थे और मिर्च हमारा पूरा खेत में हमको मिर्च लगाने का प्लान था, लेकिन हमने क्या है कि एंड टाइम में प्लान को चेंज करके इसमें सोयाबीन लगा दी है। इसलिए ये कंडीशन है, अगर सोयाबीन के लिए स्पेशल अगर बेड बनाते तो उसकी कंडीशन ये रहती कि बीच वाला जो गैप है इसको कम से कम रखते और जो बेड की चौड़ाई है इसको ज़्यादा रखते। 5 फीट का गैप बेड बनता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं बनाते। अभी अगर बात करें तो देखिए, 30 दिनों के बाद पूरा प्लाट हरा भरा और इसमें कुछ ये जो चारा घास है ये अभी कुछ निंदा दिया है, कुछ बाकी है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में, इधर कुछ बाकी है इसको भी पूरा निकाल देंगे। अभी अगर बात करें क्या कंडीशन है पौधे की, तो ये देखिए 30 दिनों के बाद में ये पौधा, इसमें ये फ्लावर्स इसके कुछ निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसमें लगभग शायद 40 दिनों में फूल दिखना स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे, अपडेट दे देंगे कब इसमें फूल निकलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसमें फ़िलहाल ये कंडीशन में 30 दिनों के बाद ऐसी कंडीशन है। और शाम के टाइम अगर आप देखते हो या फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अगर करके देखते हो तो इसकी कंडीशन कुछ अलग दिखती है, बहुत बढ़िया प्लॉट दिखता है। और अभी अगर बात करें तो हमारा सबसे बढ़िया प्लॉट यही वाला चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो क्लाइमेट है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये जो वैरायटी है बहुत बढ़िया चल रही है और बेड के ऊपर अभी की कंडीशन में तो बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें कि बेड पर लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए फ़ायदा ये है कि अगर आपकी ज़मीन में पानी भरता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो नालियाँ हैं इससे पानी निकल जाता है और बेड पर आपकी सोयाबीन सुरक्षित रहती है। पानी कितना भी ज़्यादा आ जाए, आपकी सोयाबीन जैसे ही पानी बंद होगा बिल्कुल पूरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। तो और अगर वाटर स्ट्रेस है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि पानी पूरा बेड से निकल कर बाहर चला जाता है। इसके साथ में अगर पानी कम भी है तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप ड्रिप डालते हो तो इसमें आप आराम से ड्रिप चला सकते हो। इसके साथ में अगर बात करें कुछ और कंडीशंस की, तो इसमें एक फ़ायदा और है, क्योंकि ऊपर की साइड आप देख रहे हो तो थोड़ा सा ऊंचा है और इधर नीचा है, तो ऑटोमेटिक जो कि मुझे एक थोड़ा सा बेनिफिट लगा कि ऊपर की मिट्टी ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर जमा हो जा रही है, तो उधर से खेत भी ऑटोमेटिक लेवल भी होता जा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप बिल्कुल हमारे वीडियो पर बने रहें,